प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार ये मौका दिया आप लोगों के साथ संगति करने के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने भाई बहन हमारे बीच में और जितने लाइव देख रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, आज जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर के महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम और आप जिस परमेश्वर के आराधना करते हैं, वो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो नाम यीशु नाम है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है। वो नाम, वो सर्वश्रेष्ठ नाम, इस पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है जो जो उसके ओर देखता है। यदि आप अंधे हैं तो यीशु नाम के द्वारा वो अंधापन चला जाएगा। मैं कहता हूँ आपके पास कैसे भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो नाम यीशु नाम, यदि आपने यीशु को जान लिया है तो उस बीमारी से आप आजाद हो जाएंगे। वो यीशु नाम जो आपको छुटकारा देगा। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है। और मैं बताना चाहता हूँ, अब जिस सभा में आए हो वो यीशु का सभा है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। मैं कहता हूँ यदि आप यहाँ पर बीमार है तो मैं कहता हूँ आज आप यहाँ से चंगे होकर जाएंगे। आप यीशु के सभा में आए तो यीशु कहता है जो उसके सम्मुख आता है वो चंगा होकर जाएगा। वो आला नाम यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया गया है जो मनुष्य को उसको बीमारी से बचा सके, जो मनुष्य को पाप से बचा सके, जो मनुष्य को इस धरती पर छुटकारा दे सके। लेकिन एक आला नाम यीशु नाम वो दिया गया है जो यीशु पर विश्वास करेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे तो आज आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूँ, यदि कोई यहाँ पर अंधा है, मैं कहता हूँ यदि वो विश्वास करता है तो आज वो चंगा हो जाएगा। यदि कोई लंगड़ा है तो आज वो यीशु मसीह के नाम से वो चलने लग जाएगा। यदि कोई गूंगा है तो यीशु मसीह के नाम से वो बोलने लग जाएगा। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कहता है इस धरती के ऊपर, यदि जिसने यीशु को जान लिया, जिसने यीशु को पहचान लिया, जिस गली से बाइबल में लिखा है, जिस गली से यीशु गुजरता था, यदि वहाँ पर अंधा भी आता था, यदि वो अंधा भी यीशु को देखने लग गया, मैं कहता हूँ वो उसका अंधापन चला गया। मुझे नहीं पता, बहुत से लोग सोचते हैं, आप कहेंगे कि ये जन्म से अंधा है वो कैसे देखेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप विश्वास करेंगे चाहे जन्म का अंधा हो चाहे अभी का अंधा हो, वो यीशु मसीह के नाम में वो देखने लग जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में। मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर के अंदर यीशु है, आपके घर के अंदर शांति होगा। यदि आपके जीवन में यीशु है, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे जो यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तो यीशु पे विश्वास करेगा परमेश्वर के, वो उसके जीवन के अंदर वो छुटकारा आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं बहुत से डॉक्टर के पास गया, मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन वो एक नाम यीशु नाम इस धरती पर दिया गया है, वो यीशु के नाम में वो बीमारी चला जाएगा, यीशु के नाम में वो तकलीफ चला जाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है, विश्वास करिए तो आप परमेश्वर को महिमा को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु नाम में छुटकारा है। जिसने यीशु को देखा उसका उद्धार हो गया, जिसने यीशु को ग्रहण किया वो उसका जीवन बदल गया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूँ इस मीटिंग में, इस आईडी में कहता हूँ, आप बीमार है, यदि आप इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, पर मैं कहता हूँ, आप कह रहे होंगे मैं इस बीमारी से मैं बहुत दिन से गुजर रहा हूँ, पर मैं कहता हूँ विश्वास करिए तो आज परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। जिसने विश्वास किया है उसने परमेश्वर की महिमा को देखा है। बाइबल में मुझे एक बात याद आ रहा है, मैं एक जब हम पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेरितों के काम 3 बाब और उसकी 1-5 तक। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पत्रस और योहन्ना मंदिर में जा रहे थे, वहां पर एक हालेलुया एक लंगड़ा वहां पर बैठा हुआ था। पत्रस योहन्ना कहता है मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास डॉलर रुपया नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है आज मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। यदि कोई बीमार है, लंगड़ापन है, मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको आज यीशु के नाम से कहता हूँ उठ और चल फिर। वो लंगड़ा वो चलने लग गया, वो लंगड़ा दौड़ने लग गया, यीशु के नाम से छुटकारा है। यीशु के नाम में वो लंगड़ा भी चलने लग गया। आज मैं आपको यीशु का नाम दे रहा हूँ। यीशु पे विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वो लंगड़ा वहाँ पर उसको मंदिर के पास बैठा दिया जाता था कि आने जाने वाले लोगों से वो भीख मांगे। पर मैं बताना चाहता हूँ, जब उनका मुलाकात पत्रस और यूहन्ना से हुआ, उन्होंने कहा मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास रुपया तो नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे वो देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं वो तुझे देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, यीशु के नाम में वो लंगड़ा भी चलने लग गया। हो सकता है वो 5 साल से 10 साल से वो भीख मांग रहा हो, लेकिन जब उनका यीशु का नाम का चर्चा सुना तो उसका वो लंगड़ापन चला गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। हम और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका नाम महान है, वो नाम सब नामों से ऊंचा है। वो लंगड़ा ने यीशु का नाम सुना, वो लंगड़ा चलने लग गया, उस लंगड़ा का इलाज हो गया, वो दौड़ने लग गया, वो कूदने लग गया, क्योंकि उसके जीवन में यीशु आ गया। जिसके जीवन के अंदर यीशु आ जाता है, भले वो लंगड़ापन क्यों ना हो, वो यीशु के नाम से वो चलने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से वो लंगड़ा भी चलने लग गया। मुझे याद आ रहा है एक भाई बहन, दो बहन रोने लगी, हे प्रभु यदि तू होता यहाँ तो मेरा भाई नहीं मरता। वो रोने लग गई, लेकिन यीशु उनसे एक बात कहता है, विश्वास कर तो तू परमेश्वर को महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बहन रोने लग गई, पर मैं कहता हूँ जहाँ पर यीशु आ जाता है ना, वहां से वो मुर्दा भी बाहर आ जाता है। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर वो मुर्दा भी बाहर आ गया। मैं उस लाजर के बात कर रहा हूँ। वो बहन रो रही है, वो कहती है यीशु के सामने में, हे प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु कहता है तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर को महिमा को देखेगी। यीशु के नाम से वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। यीशु के नाम से वो लाजर भी, वो मरा हुआ 4 दिन का, वो बाहर आ गया, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। यीशु के नाम में वो अंधा भी देखने लग जाता है। मुझे याद आ रहा है एक बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति, एक अंधा भिखारी, वो सड़क के किनारे वो भीख मांग रहा था, और वहां पर जब वो यीशु के आवाज सुना ना, हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु के आवाज सुना और लोगों से पूछने लग गया, भाई यहाँ पर वो क्या रहा। वहाँ कहा कि उनको यहाँ से यीशु जा रहा है। मेरे भाई और बहन में बता देता हूँ, वो भिखारी वहाँ से वो चिल्लाने लग गया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो यीशु को नाम के वो पुकारने लग गया। उस अंधे को वो पता था यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु के नाम से अंधे देखने लगते हैं। वो अंधा जोर जोर से चिल्लाने लग गया, हे यीशु दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, वो दया कर। और वो लंगड़ा में पता था जो अंधा था वो चिल्लाता गया, लेकिन यीशु वहां पर रुक गया है। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु रुक जाता है, यदि वो जन्म से अंधा होना तो वो अंधा भी देखने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये छुटकारे का मीटिंग, ये छुटकारे की प्रार्थना में मैं कहता हूँ आप विश्वास करेंगे तो आपका अंधापन भी खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है तो आप परमेश्वर को महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधे ने विश्वास किया, और मैं बताना चाहता हूँ उसका अंधापन वो चला गया। हो सकता है 10 साल से
तीसरा से वो अंधा होगा, लेकिन वो यीशु के बारे में जानता था। यीशु से मुलाकात हुआ और उसका अंधापन चला गया। यदि आप यीशु को जानते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप यीशु के पास आ जाइए। आपका कैसे भी अंधापन क्यों ना हो, कोई लंगड़ापन क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना हो, वो यीशु आपको छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही चंगाई है, यीशु के नाम में ही सिपा है। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। जीवन देने वाला यीशु है, शांति देने वाला यीशु है। आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर को महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। जिसने यीशु पे विश्वास किया, उसने परमेश्वर को महिमा को देखा है। मुझे एक बात याद आ रही, एक लेडी के बारे में लिखा हुआ है। एक लेडीज 12 वर्ष वो तकलीफ में थी, वो 12 वर्ष समस्या में थी, वो 12 वर्ष वो परेशान थी, वो 12 वर्ष मैं बताना चाहता हूँ बहुत से डॉक्टर के पास गई, बहुत से इलाज कराया, यहाँ तक कि उनके पैसे भी सब खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गए, लेकिन उनके जीवन में कोई इलाज नहीं हुआ, उसके बीमारी से कोई छुटकारा नहीं हुआ। आज भी संसार में बहुत से लोग हैं, दुनिया में भटक रहे, यहाँ जाते हैं, सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, लेकिन उसके जीवन का उद्धार नहीं होता, वो बीमारी से उनको छुटकारा नहीं होता। और यहाँ पर लिखा है ये लेडी 12 वर्ष से तकलीफ में रही, दुख में रही, परेशानी में रही, लेकिन एक दिन एक चर्चा सुनी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आप लोगों के बीच में एक चर्चा लेकर आया हूँ, वो नाम यीशु का चर्चा सुनी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु के नाम से तो मुर्दे जिंदा हो गए, यीशु के नाम से बीमारी चला जाता है। और यहाँ पर ये लेडी 12 वर्ष तक तकलीफ में थी, परेशानी में थी, इस 12 वर्ष तक ये संसार के चर्चा सुनती रही, लोगों के चर्चा सुनती रही, लेकिन उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई, उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जब वो लिखा है वहाँ पर, वो एक दिन यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की चर्चा सुनी और मैं बताना चाहता हूँ, यीशु की चर्चा सुनकर वो आई। और मैं बताना चाहता हूँ, 12 वर्ष से जो बीमार थी, जो 12 वर्ष के लेट को लहू बहने का रोग था, उनको कोई इलाज नहीं कर पाया, उनका कोई समस्या का हल नहीं कर पाया, लेकिन जब वो यीशु के पास आई तो उनका बीमारी का समाधान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। मुझे नहीं पता आप कौन से बीमारी से जकड़ हुए हैं, पर मैं आज कहता हूँ यीशु के पास आ जाइए, तो आप परमेश्वर को महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जिसने यीशु को देखा, वो लेडी 12 वर्ष में कहता हूँ वो कितनी स्ट्रगल है किया होगा अपने जीवन में, लेकिन जब यीशु के पास आई वो उस चीज से छुटकारा उनके जीवन में हो गया। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, इस धरती पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जो मनुष्य को उसको बीमारी से, उसके पाप से बचा सके या उसको जीवन दे सके। वो लेकिन वो यीशु नाम सब नामों से आला नाम यीशु है, जो आपको जीवन में छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, पाप के बंधन से आजाद करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम बहुत सारे देखते हैं, अति कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, पैरालाइज क्यों ना हो, कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन जो यीशु के पास आता है वो उद्धार पाकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के पास आता है वो उद्धार पकर जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, उस लेडी का उद्धार हो गया, वो लंगड़ा वो दौड़ने लग गया, वो अंधा देखने लग गया, वो मुर्दा जिंदा हो गया। पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारे बीच में कोई देखने वाला या कोई जो लाइव टेलीकास्ट को देख रहा, मैं कहता हूँ आप विश्वास करिए, तो आप परमेश्वर के महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस नाम को जानना है, वो नाम कौन है जो हमें बीमारी से आजाद कर सकता है, वो कौन नाम है जो हमें छुटकारा दे सकता है। पर मैं आज आपको नाम देता हूँ, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, यीशु के नाम से आप देखने लग जाएंगे। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक एग्जांपल लिखा है, एक व्यक्ति एक चुंगी लेने वाला वो लोगों से टैक्स लिया करता था, और लिखा है वहां पर एक दिन उसने एक निर्णय लिया, आखिर वो यीशु है कौन, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब यीशु को देखना चाहते हैं? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, यीशु कौन है, मैं आज मैं उसे
देख के रहूंगा, क्योंकि यीशु जब चलता था उसके पीछे भीड़ के भीड़ उनके पीछे चलते थे, लेकिन वो जक्कई नाम का एक व्यक्ति ने एक दिन अपने जीवन में अपने अपने के विचार पैदा किया कि आज मैं यीशु को देख के रहूंगा, आज मैं यीशु को देखूंगा वो कैसा है, आखिर इसके अंदर कौन सा क्वालिटी है कि लोग इनके पीछे चलते हैं, ऐसी कौन सी ताकत है उसके पीछे कि लोग उनके भीड़ चलता है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर डिजायर पैदा किया, वो इच्छा रखा, वो कहता है मैं आज यीशु को देख के रहूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन में बताना चाहता हूँ, वो देखने की कोशिश करता रहा करता रहा, लोगों भीड़ के कारण वो देख नहीं पाया, पर मैं कहता हूँ उनका डिजायर था कि मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन यीशु ने उसको देख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसका मुलाकात यीशु से हुआ, मैं बताना चाहता हूँ जिसके घर के अंदर यीशु आ जाता है उस घर का उद्धार हो जाता है। यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में छुटकारा आया है, इस घर के चंगाई आई है। वो व्यक्ति उससे पहले हो सकता है दो नंबर के काम करता था और लोगों को लूटता था, लोगों को चीट करता था, लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुआ उनके जीवन का हर एक चीज वो खत्म हो गया। और यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में छुटकारा आया है। यदि आपका मुलाकात यीशु से हुआ है, आपका मुलाकात वो जीवित परमेश्वर से हुआ है, तो मैं कहता हूँ आपके घर के अंदर छुटकारा उद्धार आया है। आप कौन सी बीमारी से जकड़े हुए हैं, यीशु के पास है, तो मैं कहता हूँ आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में रिहाई है। वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, इस धरती के ऊपर एक ही नाम है जो मनुष्य को बीमारी से आजाद कर सकता है, वो है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप ध्यान में रखिए, हम और आप जिस परमेश्वर का आराधना करते ना, ही देर नॉट ए ऑर्डिनरी गॉड, जस्ट कीप इन योर माइंड। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप में ध्यान में रखिए, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। अब जो आप सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। जरूरत है कि हम परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें, हम यीशु के सम्मुख आ जाए, हम यीशु को अपने जीवन में दे दे, हम यीशु को अपने घर में बुला ले, हम यीशु को अपने साथ लेकर चले, जिसके साथ ये अधिकार नहीं है कि विश्वासी पर वो अटैक करे। पर मैं कहता हूँ आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उस सिस्टर के लिए, वो सिस्टर आज चंगी हो जाएगी। छुटकारा है, जरूरत है कि हम यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास ही चंगाई है, यीशु के पास ही छुटकारा है, यीशु के पास ही जीवन है। जरूरत है कि हम यीशु के नाम को जान ले, वही नाम आपको बचा सकता है, वही नाम आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम इस धरती पर जिंदा है, यदि आपने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है, पर मैं कहता हूँ जिसने यीशु को जान लिया ना, उसको इस धरती पर कोई भी किसी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा उनको छू नहीं सकता। धर्मी अगर गिरेगा तो सात बार उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब दुष्ट गिरता है वो नाश हो जाएगा। कि जरूर है कि हम यीशु के पास आ जाए, हम एक धर्मी बन जाए, हम यीशु पर हम विश्वास करें, हम यीशु पर ईमान लाए, जो यीशु को अपने घर में स्वागत करता है, वेलकम करता है। उनके घर के अंदर कभी भी झगड़ा, कभी भी लड़ाई, कभी भी गलत काम नहीं होगा, उनके घर के अंदर शांति होगा। वो यीशु नाम इसलिए दिया गया, वो शांति का राजकुमार, इसलिए उनका नाम रखा गया। पर मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, यदि कोई हमारे बीच में आज कोई बीमार है, तो मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ आज आप यहाँ से चंगे होकर जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही चंगाई है। वो लंगड़ा वो चलने लग गया यीशु मसीह के नाम से, वो अंधा यीशु मसीह के नाम से देखने लग गया, वो लेडी ने चर्चा सुना और यीशु के नाम से उसका बीमारी चला गया। लेकिन आज मैं कहता हूँ यदि बीमार है, आप अंधा है, आप देख नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आप समस्या में है, तो यीशु के पास आ जाइए। यीशु आप, मैं बताना चाहता हूँ, आप यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि उसके नाम में ही चंगाई है, उसके नाम में ही छुटकारा है, उसके नाम में ही जिंदगी है। वो नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस गाने को हम एक और फिर सुनेंगे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Yeshu Naam, Yeshu Naam, Yeshu Naam,
होंगे जो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु, आज मैं उन बीमारों का आपके सम्मुख ले जाता हूँ परमेश्वर, जो इसलिए लाइव टेलीकास्ट को देख रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए कि पिता आज वो लंग रहा है, तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो चलने लग जाए। यदि वो अंधापन है उसके जीवन में, तो वो अंधा भी वो यीशु मसीह के नाम में वो देखने लग जाए। मुझे एक बात याद आ रहा है, एक व्यक्ति को देखा, एक जन्म से एक अंधा था। उनके चेलों ने पूछा, हे प्रभु क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने जो अंधा जन्मा है? प्रभु यीशु कहता है, न तो इसने पाप किया है, न तो इसके माता पिता ने, ये तो इसलिए जन्म अंधा है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, इसके द्वारा परमेश्वर की आराधना हो, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई और बहन, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर यदि कोई अंधापन है, तो आज मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो अंधापन चला जाएगा और आप भी परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, आप भी परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। ना तो उस अंधा ने पाप किया था, ना तो इसके माता पिता ने, पर मैं कहता हूँ जहाँ पर यीशु आ जाता है, जिस घर के अंदर यीशु चला जाता है, जिसके जीवन में यीशु आ जाता है, चाहे अंधापन हो, चाहे लकवा के रोगी हो, चाहे पैरालाइज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे सर दर्द हो, बुखार हो, जुकाम हो, किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, लेकिन जो यीशु के पास आता है उनके जीवन के अंदर चंगाई आ जाता है, उनके जीवन के अंदर छुटकारा आ जाता है, उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर। मेरे भाई और बहन, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। यीशु ही आपको छुटकारा दे सकता है, यीशु ही आपको पाप के बंधन से, बीमारी के बंधन से आपको छुटकारा दे सकता है। इस धरती पर ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जो मनुष्य को बीमारी से, पाप से छुटकारा दे सके, लेकिन वो नाम यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। उस नाम को आप जान जाइए, उस नाम को पहचान लीजिए, उस नाम के सम्मुख आप आ जाइए। वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु के नाम से हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जिसने यीशु ही प्रभु को जान लिया, मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन से वो बीमारी खत्म हो जाएगा, वो समस्या चली जाएगी, वो तकलीफ चली जाएगी। आप यीशु को जान जाइए, यीशु के पहचान जाइए, यीशु के सम्मुख आ जाइए। यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही जीवन है। पर मैं आज कहता हूँ, यदि हमारे बीच में यदि कोई भाई बहन देख रहे हैं, पर मैं कहता हूँ आप यदि यीशु के नाम को जान लिया है, मैं कहता हूँ आपके जीवन से वो बीमारी आज चला जाएगा। बस विश्वास करिए, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। विश्वास करिए, परमेश्वर कहता है वो छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। आप विश्वास करिए, विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मुझे नहीं पता आप कितने साल से बीमारी में है, कितने साल से तकलीफ में है, लेकिन आज आप विश्वास करिए तो आप परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। एक बार मैं फिर से कहता हूँ भाई सिस्टर के लिए, मैं उस सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज वो यीशु मसीह के नाम से जो दुष्टात्मा ने घेरा है, जो बीमारी को लेकर आए है, मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो दुष्टात्मा यीशु के नाम से आज दूर हो जाए। हम सब एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं कि हम जब हम फोन के द्वारा हम सुने, तो उनके मुंह से यही सुने कि आज यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी है, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते उस बहन के लिए, और शाम को ये कि हम खबर सुने कि हाँ यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु ने मुझे बीमारी से आजाद कर दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्टात्मा, आज मैं हुक्म देता हूँ कि यीशु के नाम से उस सिस्टर को दुष्टात्मा छोड़कर चली जाए। वो सिस्टर यहाँ पर अगली संडे गवाही दे, हाँ यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है। वो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु के नाम में ही जिंदगी है, यीशु के नाम में ही रिहाई है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु पे विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर को महिमा को देखेंगे। Amen.
जरूरत है कि हम यीशु पर विश्वास करें, यीशु पर ईमान लाए। मैं बताना चाहता हूँ एक बार, मैं फिर कहता हूँ, यदि हमारे बीच में कोई बीमार है तो इस मीटिंग खत्म होने से पहले आप यहाँ से चंगे होकर जाने पाएंगे। हालेलुया, 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 क्योंकि वो अम्मा मुनि का नाम नहीं है, वो यीशु नाम है जो अंधे को जीवन देता है, वो यीशु नाम है जो उनके नाम से वो लंगड़ा भी चलने लग जाता है। मुझे एक बात याद आ रहा है, एक व्यक्ति 38 वर्ष से उस कुंड के पास बैठा हुआ है, लेकिन जब यीशु आया उनको कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर वो लंगड़ा भी वो चलने लग गया यीशु मसीह के नाम से। और मैं कहता हूँ यदि आपने यीशु के नाम को जान लिया है तो आपके जीवन से वो बीमारी, लंगड़ापन, अंधापन, गुंगापन, हर एक चीज खत्म हो जाएगा। जिसने यीशु पे विश्वास किया है उसने परमेश्वर को महिमा को देखा है, जिसने यीशु के नाम को जान लिया है उनके घर का उद्धार हो गया है, उसके जीवन का उद्धार हो गया है। हमें जरूरत है हम यीशु को जाने, हम यीशु को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही जीवन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।